लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कौन जीतेगा? हमारी सास जीतेगी। और ये धमकी देने वाले भाजपा भाई, इनकी जमानत जब का चुनाव है, किस तरीके से आप देखते हैं 24 के चुनाव को? 24 के चुनाव में यहाँ मैनपुरी से डिंपल जी जीतेंगी और यहाँ कोई नहीं जीतेगा। नेताजी ने अपनी छवि बना रखी है मैनपुरी जिले में, क्या लग रहा है पुत्रपति उसको बरकरार रखेंगे? हाँ, पुत्रपति बरकरार रखेंगे, बहुत मेहनत करती है, क्षेत्र में लगातार घूमती है और भी कहीं मरी मौत हो या कहीं हर कार्यक्रम में जाती हैं, तो उनको कतई वह कमजोर नहीं होने देंगे। क्या झूठ बोल दिया, भाजपा ने जितने वादे किए वो सारे सब किए? हमारी कांग्रेस गठबंधन ने और हमारी शाखें दौड़ी थी और भाजपा की जमानत है। टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, आज हम पहुंचे मैनपुरी की विकासखंड किसनी का एक चौराहा पड़ता है कटरा समान का। यहाँ अभी माननीय सांसद डिंपल यादव जी अभी यहाँ से निकल के गई हैं और कुछ उनके कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। 2024 का जो चुनावी जो बिगुल है वो बज चुका है, कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी हुई है। हमारे साथ भाई साहब इनसे बातचीत करेंगे। 2024 का चुनाव है, किस तरीके से आप देखते हैं 24 के चुनाव को? 24 के चुनाव में यहाँ मैनपुरी से डिंपल जी जीतेंगी और यहाँ कोई नहीं जीत पाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, अभी तक कहीं ना कहीं उनमें मंथन चल रहा है, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो लड़ाएगी, कोई न कोई तो लड़ाएगी, लेकिन लड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। वो अपना देखते हैं कौन लड़ाएंगे कौन नहीं लड़ाएंगे, ये तो जनता सब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो है। अच्छा, जो नेताजी ने अपनी छवि बना रखी है मैनपुरी जिले में, क्या लग रहा है पुत्रपति उसको बरकरार रखेंगे? हाँ, पुत्रपति बरकरार रखेंगे, बहुत मेहनत करती है, क्षेत्र में लगातार घूमती है और भी कहीं मरी मौत हो या कहीं हर कार्यक्रम में जाती हैं, तो उनको कतई वह कमजोर नहीं होने दे रही है। अच्छा, कुछ युवा कार्यकर्ता नाराज भी हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है, क्या लग रहा है? वो कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, वो सब शांत हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। अभी यहाँ से सांसद जी गई थी और 2024 का इलेक्शन जो है वो नजदीक है। बाबा, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कौन जीतेगा? हमारी सास जीतेगी। साइकिल मूड के बड़ा भैया भाजपा, हम किसी से नहीं दे रहे, और ये धमकी देने वाले भाजपा भाई, इनकी जमानत जब्त है। ऐसा क्या बुरा कर दिया? नहीं नहीं, हमारा किसान है, हमारा किसान का लेके चलेगा उसको बना, तो किसान को लेके चलते रहिए। हम तुम्हारी हम मानते ही नहीं, मीडिया वालों से बिना खपा के तुम्हारी मानते ही नहीं, मीडिया से बिना खपा हम तुम्हारी मानते ही नहीं। अरे हाँ, और भाजपा की झूठे की हम मानते नहीं, और जो जो कोबलाल गरी को बनो रहे जो हमारे, तो जो किसी का है वो हम जान रहे हैं, हम झूठन को हम बजानो है, बजानो है। हाँ, झूठा भाजपा के एक लंबर है और लुटेरे। क्या झूठ बोल दिया, भाजपा ने जितने वादे किए वो सारे सच किए? ए दादा, वो कद नहीं कर ना दादा, गर्म ना गर्मी नहीं दादा, क्या किया? हाँ बताओ बताओ, आ जाओ आ जाओ ना दादा, सुनो ऐसी कोई बात नहीं, हम आपसे देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, जाने नहीं। अगले जिंदाबाद सांसद जी से बात होता है, सांसद जी को तो हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुलाकात हो गई थी अभी? ओ भाई, मुलाकात हमारा किसान वही है। अच्छा अच्छा, हाँ, और नहीं तो इतनी नाराजगी कैसे है आप? नहीं, हम तो नाराजगी हमेशा रही, तो हमसे नाराज क्यों? नहीं, हम तो तुम लगे भाई और बोलो ना भाई लाल गली को लगे भाई हम। नहीं नहीं, बात सुन, पहले पहले बात कर ले गट, और हमारे वो हमारी तो आने के भी आई रिश्तेदारी चूली में, और उनको वो भाई को तो वाले अब बेटा ही में रखेंगे वो। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा, हमारी कांग्रेस गठबंधन ले और हमारी शाखें दौड़ेगी और भाजपा की जमानत जब। अच्छा अच्छा, हाँ, इतना क्या बुरा क्या किया? और क्या लुटेरा ये भाजपा के? हाँ, लुटेरा है, लुटेरा झूठा। अच्छा अच्छा, आप बैठिए जाए, क्या 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 लूटा कुछ बताओ तो। आप बैठिए जाए, हम तो बहस नहीं करिए ना, बता दे दादा। नहीं, आप बहस नहीं करिए, आप बुजुर्ग, हम तो देखो सम्मान कर रहे हैं आपका, हमारे बहुत इतना मैंने बोल लिया, आप बैठिए साहब। नहीं, अभी आप बता रहे थे यूरिया यूरिया खाली, क्या बता रहे थे आप? यूरिया 10 किलो खाए गए और 10 किलो राशन, 1 किलो सच्चरात बेईमानी। अरे तो इन्हें झूठन को हमें बजाना है, हाँ, लुटेरन को, तो आपको हमसे नाराजगी? हाँ, मोदी योगी को बजानो एक चोरन को। अरे हाँ, चोर है, चोर पक्के 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 चोर। अरे
पक्के चोर है और इनकी जमानत जब्त करा दी। अरे तो जो सांसद जी उनसे बातचीत हुई थी अभी मिला मुलाकात हो गई? अरे हमारी तो हमेशा होती है। अरे सांसद जी से हो अखिलेश तो बोल और क्या करे हमारे सरपंच बाबा तो जो ही है नेता बोलो बाबा मुलायम सिंह राव कैलाश किसान को अखिलेश का छप्पा वो कह रहे थे हम जयवीर सिंह कह रहे थे अगर हमने खिड़की खोल दी तो सारे नेता हमारे छोड़ो जयवीर सिंह अपने जो बैठे चुपचाप वो तो कह रहे थे अगर हमने खिड़की खोल दी तो सारे सभा के नेता भाई भाई जी अरे तुम कहा मीडिया वाले हमारे सामने बहस करो आप बैठ के जाए देखिए कहीं ना कहीं दादा हमें बातचीत हुई थी हमने देखा है तो हमने कहा चलो इनसे बातचीत करते हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी तमाम ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें तब तक के लिए नमस्कार।